आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसी जनरेटर की पूरी जानकारी। देखिए दोस्तों, आज हम एसी जनरेटर की जानकारी लेंगे। एसी जनरेटर क्या होता है? एसी करंट निर्माण करने वाला जनरेटर। जैसे जनरेटर में दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, एक एसी और एक डीसी। डीसी जनरेटर एक समय एक ही चीज़ चला सकता है, लेकिन एसी जनरेटर हज़ारों चीज़ें चला सकता है। इसकी वजह से एसी जनरेटर से ही हमारे घर में बिजली आती है। एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है? एसी जनरेटर को वर्क करने के लिए स्प्लिट लिंक की जगह स्लिट लिंक लगती है। मतलब जो मोटर होती है उसके अंदर स्प्लिट लिंक नहीं रहती, स्लिट लिंक रहती है। वो होता है एक एसी मोटर, और उसी मोटर से एसी जनरेटर बनता है। इस प्रकार एसी जनरेटर काम करता है। उसका काम करने का तरीका आपको एक एनिमेशन की वजह से हम दिखाएंगे। चलिए हम उस एनिमेशन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। देखिए ये जो कॉइल है वो घूम रही है, उसकी वजह से ग्लूमीटर इधर उधर हो रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्लस माइनस, माइनस से प्लस होती रहती है। मतलब वो हमेशा चेंज होती रहती है। जब वो घूमता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से फिर ऊपर आता है, तब अपने डायरेक्शन घूमने की बदल देता है। इसकी वजह से ग्लोमीटर इधर भी हो रहा है और उधर भी हो रहा है। इससे हमें पता चलता है एसी जनरेटर कैसे काम करता है। उसकी डायरेक्शन चेंजिंग की वजह से ही जनरेटर का जो एसी करंट होता है उससे वो दूर तक पहुंच सकता है। क्योंकि प्लस की जगह माइनस आता है और माइनस की जगह प्लस आता है, इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक पहुंच सकता है। यही है सिंपल से एसी करंट का प्रिंसिपल। इस प्रकार हमने एसी करंट समझ लिया है। अगली वीडियो में हम जानेंगे एक विशेष माहिती जिससे आपको आपके ज्ञान बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।